मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 2 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है अभ्यास में उसको देखेंगे। अभ्यास के बीच में एनसीईआरटी बुक में जो अभ्यास के बीच में जो प्रश्न उत्तर दिया था उसका वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो देखिएगा, बोरोन का प्रतिशत संघटन, तो नमूने में बोरोन की मात्रा और यौगिक की कुल मात्रा, यानी प्रतिशत निकालने के लिए आप गणित यदि बनाते होंगे तो उसमें जानते होंगे कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। जो मात्रा है उसको और कुल मात्रा से 100 से गुना किया जाता है तो प्रतिशत निकल जाता है। इसमें ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यदि आपको उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। आगे है दूसरा नंबर का प्रश्न। प्रश्न 2 में दिया हुआ है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम ऑक्सीजन को में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? उदाहरण आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? देखिए, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा, ऐसा क्यों होगा? और 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। यह रासायनिक संयोजन में स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर में है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए, एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो जिस पर आवेश होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है, जिस पर आवेश होता है, ठीक है। एक से अधिक परमाणुओं पर वह समूह जिस पर आवेश होता है, ठीक है, का वह समूह जिस पर आवेश होगा उसको बहुपरमाणुक आयन कहेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा CuNO3 और 2, एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 और कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCO3, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है आपका 5वां प्रश्न। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। जैसे बुझा हुआ चूना का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, यौगिक है बुझा हुआ चूना, रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2, याद रखिएगा। तत्वों का नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमीन का हो जाएगा HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्वों का नाम। बेकिंग पाउडर का हो जाएगा NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें है। पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र, इसमें पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे एथाइन C2H2 है, इसका देखिए परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। एथाइन का C2H2 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 2×12 प्लस 2×1 कर देंगे तो 24 26 हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फर का कर देंगे,
32 गुने 8 हो जाएगा, 256 हो जाएगा फास्फोरस का 31 गुने 4 करके, और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 गुना जोड़ 35.5 गुने 1 हल कर देंगे तो 36.5 आ जाएगा, और नाइट्रिक अम्ल का 63 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 है आपका, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? जैसे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है, अतः 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है दिया गया है, तो 4 मोल हो जाएगा तो 4 से उसको गुना कीजिएगा 108 हो जाएगा। सोडियम का 10 मोल सोडियम सल्फाइड का, तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का इसमें मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 23 गुना 2 जोड़ 32 गुना 1 जोड़ 16 गुने 3 बराबर 46 जोड़ 32 जोड़ 48 बराबर 126 ग्राम हो जाएगा। अतः 10 मोल सल्फाइड का सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान हो जाएगा 10 गुने 126 बराबर 1260। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान जो है 1260 हो जाएगा। ठीक है, चलिए परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा 126 होगा। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर का प्रश्न है, मोल में परिवर्तित कीजिए, जो आपका दिया हुआ है 15 ग्राम ऑक्सीजन गैस है इसको मोल में परिवर्तित करना है। तो ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करने के लिए 16 गुना 2 कर देंगे तो 32 यू हो जाएगा, और इसका मोल की संख्या हो जाएगी ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा और 32/12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.375 मोल। 32 ग्राम जल का निकालना है तो जल का आपका मोलर जल का द्रव्यमान 18 यू हो जाएगा, और इसको 18 अब इसका जो है 20 ग्राम है तो 20/18 कर दीजिएगा तो 1.11 हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसका आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 44 यू, और इसका जब आप मोल की संख्या निकालिएगा तो 22/44 0.5 हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? जैसे 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, ये पहली बार आपको बता चुके हैं, तो 16 को इससे गुना कर दीजिएगा तो 3.2 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से जल के अणु का मोलर द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान आप ऊपर ही बताए थे कि 18 ग्राम होता है, और 18 × 0.5 कर दीजिएगा तो 9.9 ग्राम हो जाएगा इसका मोल के अणु का द्रव्यमान। 10वां प्रश्न है आपका, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। 16 ग्राम ठोस सल्फर होगा तो उसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो सल्फर का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 32 × 8 256, 256 ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या तो 6.002 से गुना कर देंगे 10^23 आ जाएगा, इसीलिए 1 ग्राम में तो हो जाएगा आपका कितना 6.022 × 10^23 256, तो 256 इसको भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.76 × 10^22। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न के बाद 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, यह आपका आखिरी प्रश्न है इस अभ्यास का, दिया हुआ है 0.551 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का आयन की संख्या का परिकलन कीजिए, यानी एल्युमिनियम के आयन की संख्या कितनी है। संकेत में दिया हुआ है, किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 यू है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो 27 × 2 जोड़ 16 × 3, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 27 हो जाएगा, तो 27 × 2 जोड़ 16 × 3 इसका हो जाएगा 102 ग्राम मोलर द्रव्यमान। 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या तो 6.022 × 10^23 है, इसीलिए 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या हो जाएगा 6.002 × 10^23/256, तो इससे आपका निकल जाएगा।
तथा इसको जब आप हल कीजिएगा तो 3.00×10^20 हो जाएगा। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड अणु में एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 है, इसीलिए इसको आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6.022×10^20 हो जाएगा। अतः 0.051 एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या 0.02×10^22 है होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।